दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही रिद्युतचारक पर बल या करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों यह हमारा बीएससी का क्वेश्चन भी है, ट्वेल्थ का भी क्वेश्चन है और ये हमारा बहुत आईएमपी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही रिद्युतचालक, रिद्युतचालक को इंग्लिश में बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगी और एक हमें एक कंडक्टर लेना पड़ेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, वायर कह लो या रिद्युतचालक, यह मैंने एक चालक ले लिया जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और इसकी लंबाई एल है। ठीक है, अब मुझे एक समान चुंबकीय क्षेत्र और बनाना है। तो दोस्तों मैं इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेता हूँ। तो मैंने ये अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र ले लिया है, आप दोस्तों इस चालक तार को कैसा भी ले सकते हैं और किसी भी तरीके से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सीधा ले सकते हैं, आड़ा ले सकते हैं, जैसा आपको लेना हो आप वैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा कोई बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चालक है और ये उसकी लंबाई है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें तो कैसे लिखेंगे, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ये हम जानते हैं कि जब भी हम एक चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखते हैं या धारावाही चालक या करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को ही हमें इस क्वेश्चन में लिखना होता है कि वो फोर्स किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, और उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, लोरेंज फोर्स। जो इस पर फोर्स लगेगा वो हमारा लोरेंज फोर्स होगा। और अगर आपने अभी तक लोरेंज फोर्स नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लें। आपको इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लोरेंज फोर्स के फॉर्मूले से, यानी लोरेंज फोर्स होता है हमारा एफ बराबर क्यू वी क्रॉस वी, ये हमारा लोरेंज फोर्स होता है। इससे हमें करना चाहें तो इससे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और नहीं तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे, आइए हम बताते हैं। नंबर वन, मतलब कि जब भी हम कोई चुंबकीय क्षेत्र को जब भी हम किसी चालक को धारावाही चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं धारावाही चालक को, तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लोरेंज फोर्स कहते हैं। यह बल चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक के में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब कि यह बल एफ धारावाही चालक में प्रवाहित धारा, यानी आई हो रही है प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ अनुक्रमानुपाती आई। ठीक है दोस्तों, अब यही एफ फिर से होगा, तो यह एफ और तथा यह बल एफ जो धारावाही चालक की जो लंबाई है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप इसको हिंदी में लिख लें, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मतलब कि बल एफ धारावाही चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरीके से लिख दें और ए लिख दें। और फिर नंबर थर्ड है, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र अपना बी है तो बी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं और एक बात और इसमें एक और फोर्थ पॉइंट आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये अपना बल ए लग रहा है। ठीक है, ये बल लग रहा है अपना एफ, और धारावाही चालक में प्रवाहित धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चाल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से धारावाही चालक का लंबाई द्वारा बने कोण को ये, और इसमें अगर कोण कोई बनता है तो उसके समानुपाती होती है, उसकी जया यानी साइन के समानुपाती होती है। ठीक है, तो अगर मैं चारों सबको उपर्युक्त को मिलाकर लिख दूं, उपर्युक्त को मिलाकर लिखने पर दोस्तों जो साइन थीटा है ना, एफ समान साइन थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक में ये धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो ये कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, और ये धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, ये कोई धारावाही चालक है। ठीक है, ऐसा ही है अपना। तो इनके जो बीच का कोण है थीटा, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, साइन थीटा। इसलिए अब मैं उपर्युक्त को मिलाकर लिखने पर ये, इसे अगर मैं मिला सब चारों को मिला दूं, इसको इसको ये अलग पॉइंट है, इससे भी अपन कर सकते हैं। अगर मान लो अपन ये याद नहीं रहा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इससे भी मैं आपको करके बता दूंगा। तो यहाँ से आप इस सबको मिला के लिखेंगे तो एफ समानुपाती, एफ सब में है तो एफ आ गया समानुपाती। यहाँ क्या है, आई है, यहाँ क्या है, एल है, यहाँ क्या है, बी है, और इसका क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, अगर अब मैं समानुपाती हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा के, तो वो हो गया आई एल बी साइन थीटा। अगर मान लो दोस्तों के बराबर हमारा 1 है तो हमारा एफ क्या आएगा, आई एल बी साइन थीटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही ऋणु चालक पर बल। ठीक है दोस्तों, और इसकी दिशा दोस्तों दो तरीके से ज्ञात की जा सकती है, एक है लेफ्ट हैंड रूल। देखिए दोस्तों, इसमें धारा इस तरह ऐसी बह रही है, इस तरह बी मेरी इस वाली फिंगर के इधर और इस वाली फिंगर के इधर, और मेरा जो तार है मतलब मेरा जो चालक है वो ऐसा है। ठीक है, तो बल कैसा लगेगा, बल ये थंब की तरफ अंगूठे की दिशा में बल लगेगा। अगर चाल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, अगर धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा ये है, तो उसमें उत्पन्न लगने वाले बल की दिशा ये होगी। तो देखिए दोस्तों, ये ए है और ए है, और जो बल एफ मैंने ऐसा लिखा है उसका मतलब है वो ऐसा है। ठीक है, और इसकी एक और ये हो गया लेफ्ट हैंड रूल, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये रूल हो गया, आप इसको लिख सकते हैं अगर वो पूछें इसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाए। और एक होता है राइट हैंड पाल्म रूल, मतलब दाएं हाथ की गद्दी का नियम। देखिए दोस्तों, अगर चुंबकीय क्षेत्र ये है मेरा, चुंबकीय क्षेत्र मेरी उंगलियों की दिशा में है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मेरी उंगलियों की दिशा में है, और धारावाही चालक मेरी अंगूठा की दिशा में है। ये धारावाही चालक में प्रवाहित धारा मेरी अंगूठा की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारावाही चालक, तो ये धारावाही चालक, तो इसमें लगने वाला बल कैसा होगा, अपनी हथेली के लंबवत, ये बाहर की ओर भी हो सकता है दोस्तों और लंबवत अंदर की ओर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अपने चालक में पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, नेगेटिव है तो अंदर की ओर। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल। अगर अब हम इसे सेकेंड मेथड से करें तो वो कैसे होगा, हम जानते हैं जब जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं क्यू भी क्रॉस भी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, ये मैं यहाँ पर डबल से बना रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कैसा भी हो सकता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, कैसा भी हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, ये मेरा कोई इसकी दिशा मान लो ऐसी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की, और ये मेरा कोई चालक है जिसकी लंबाई एल है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये भी ये वाला डायग्राम भी सही है और ये वाला भी सही है। तो इसमें दोस्तों अब क्या है, क्यू, क्यू का मतलब होता है चार्ज, तो मेरा ये धारावाही चालक इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका चार्ज क्या होगा, ई होगा, ई होगा दोस्तों, और ये मेरा बी है और क्रॉस बी। अब दोस्तों ध्यान दें कि जो मेरा यहाँ पर जो बी है ना वो चालक का है, तो मैं यहाँ यहाँ डी लिख दूँ तो कोई गलत है, क्योंकि बहाव बहाव का वेग, मतलब कि यहाँ पर डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका मतलब होता है बहाव हो रहा है उसका वेग, डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब होता है दोस्तों बहाव का वेग, बहाव का वेग। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान, इस स्टेप आप ये नहीं करना चाहते तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूला आप भूल गए तो यहाँ पर अब देखिए आप ध्यान से, जो मेरा
जो मेरा एफ इज इक्वल टू क्या चल रहा है, मेरा ई और मेरा ये भी। दोस्तों आप भी क्या है यहाँ पर, बेग है, और बेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे दूरी बटे समय, या डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, भी बराबर क्या हो जाएगा मेरा डी, भी बराबर मेरा क्या होगा एल अपॉन टी। एल क्या है दोस्तों, एल इसकी लंबाई यानी इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और टाइम टी। ठीक है, और ये बी मेरा चल ही रहा है, बस बी की जगह बी की, भी मेरा क्या है ये एल है इसकी लंबाई, और उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो मेरा दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान दें आप, यहाँ से मुझे करना क्या है, ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं ई है मेरा क्यू है, अगर मैं इसको क्यू ही लिखा रहने दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आगे पीछे हो सकता है, वो मैंने आपको समझ के बताया। तो क्यू, अगर मैं टी को यहाँ ले आऊँ, और एल मेरा यही रहा और बी मेरा यही रहा, दोस्तों ये मैं शॉर्ट ट्रैक बता रहा हूँ जो कि मैंने किया है मेरे तरीके से, ये मैं किसी बुक में नहीं है, ये मैंने किया है, लेकिन एक गलत नहीं हो सकता। तो एफ बराबर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्यू अपॉन टी यानी आवेश बटे समय क्या होती है हमारी धारा, हम जानते हैं धारा यानी आई बराबर क्या होता है आवेश बटे समय। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो गया हमारा, क्यू होता है आवेश और समय क्या है टी, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ आई, तो मेरा एल और मेरा ये बी, तो मेरा एफ बराबर क्या हो गया आई एल बी, ये मेरा क्या हो गया, ये एक धारावाही चालक पर लगने वाला बल होगा। अब आप सोचोगे इसमें साइन थीटा क्यों नहीं आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा अदिश राशि है, मतलब अभी ये हमारा स्केलर फॉर्म है, अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर आई एल बी वेक्टर। ठीक है, आई एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसे मैं स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिखाएगा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर मैं इसके इसके वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एफ वेक्टर बराबर मेरा, अगर यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा एल बी क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि दो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा एल बी साइन थीटा, इससे मेरा क्या आ गया साइन थीटा आ गया। तो अगर मैं इस वाले का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, मतलब कि कुल मिला के इसका ये क्या है परिमाण है, तो एफ वेक्टर मतलब कि क्या आ गया हमारा आई एल बी साइन थीटा। तो दोस्तों ये रही दो मैट है जिनसे आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऋजु चालक पर बल या करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या उसमें या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लॉरेंज फोर्स, ये तीन चार टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको करें। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।